हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सपना और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये मेकअप लुक। सो ये मेकअप लुक काफ़ी इजी है, आप इसे चाहो तो वेडिंग में, फेस्टिवल में और किसी भी पार्टी में क्रिएट कर सकते हो। सो चलिए बढ़ते हैं वीडियो के तरफ, बट उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। सो सबसे पहले यहाँ पे मैं ले रही हूँ एलोवेरा जेल एंड उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 से 3 बूंद गार्नियर विटामिन सी सीरम की। अपने हाथ पर ही मैं उसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये आपके फेस को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर देगा, आपको अलग से किसी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही किसी प्राइमर की। उसके बाद मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का पल एल्यूमिनेटर। ये एक हाइलाइटर की तरह काम करता है, पिंक शाइन आ जाती है फेस पर। उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ मैट लुक का फाउंडेशन। अपने आईब्रो को फिल कर रही हूँ आईब्रो पेंसिल की हेल्प से। देन मैं अपने आईब्रो को क्लीन करने के लिए अप्लाई कर रही हूँ द फैशन फैक्ट्री का कंसीलर। सेम कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पर जहाँ जहाँ पर डार्कनेस होती है या रेडनेस होती है। यहाँ पे मैंने लिया है कलर एसेंस का कॉम्पैक्ट पाउडर अपने फाउंडेशन एंड कंसीलर को सेट करने के लिए। उसके बाद आई मेकअप के लिए यहाँ पे मैंने ली है लिक्विड लिपस्टिक, जिसे मैं अपने पूरे आईलिड पर अप्लाई कर रही हूँ। देन उसको ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है वाइट शिमर, जिसे मैं अपने पूरे आईलिड पर अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं ले रही हूँ रेड कलर अपने लोअर लैश लाइन के लिए और उसी में मैं मिला रही हूँ ब्लैक कलर। दोनों को मिला के मैं अपने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ एंड ब्लैक कलर मैंने अपने आउटर वी पर भी अप्लाई कर लिया था, जैसे कि आप देख सकते हो। देन मैं अपने फेस को कर रही हूँ कॉन्टोर और कॉन्टोर के लिए मैंने लिया है उसी पैलेट में से ब्राउन कलर। नोज को भी कॉन्टोर कर रही हूँ ताकि नोज थोड़ी पतली लगे। देन मैं हाइलाइटर के लिए ले रही हूँ मैट लुक का हाइलाइटर पैलेट। एंड उसी पैलेट में से ले रही हूँ ये कलर अपने ब्लश के लिए। न्यूड लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ।
सो गाइज, ये है फाइनल लुक। अगर ये लुक और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।